प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन का सेट है जिस न्यूमेरिकल को आज हम करवाने जा रहे हैं। इसे मैं 15 सेकंड के लिए बना रहा हूँ। आप इसे स्टिल करके, पॉज करके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और क्वेश्चन नोट करवा लें। प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों की डिमांड पर महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्नों को भी वीडियो के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बच्चा ये पहली बार वीडियो देख रहा है, थ्योरी की सभी वीडियो मतलब इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण अध्याय वीडियो के रूप में प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बच्चों, मैंने संख्यात्मक प्रश्न की बात करी। हम प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे और सारे फार्मूले उसमें कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है, व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अब हम जब इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हमें दिया गया क्या है, क्या गिवन है? दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात, हमारे पास तीव्रताओं का अनुपात है I1/I2। दो तरंगों का तीव्रताओं का अनुपात है 9:1। क्या उत्पन्न करिए? व्यतिकरण उत्पन्न करिए। तो व्यतिकरण में क्या होता है? जहां समान कला में मिलेंगी वहां अधिकतम तीव्रता होगी, जहां विपरीत कला में मिलेंगी न्यूनतम तीव्रता होगी। एक सूत्र होता है तीव्रता, आई जो होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहां पे I1/I2 किसके बराबर हो गया? A1² / A2² ये पहली समीकरण थी, ये दूसरी समीकरण है। अब समीकरण 1 व 2 से देखो, दोनों तरफ I1 I2 है, I1 I2 है, या 9/1 है, या A1² / A2² है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A1² / A2² 9/1। A1/A2 किसके बराबर आ जाएगा? A1/A2 किसके बराबर आ जाएगा? 3/1। वर्गमूल लेंगे ना, तो 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3, 1 का 1 ही होता है, 3/1। तो A1 किसके बराबर हो गया बेटे हमारे पास? 3A2, समीकरण नंबर 3। हम जानते हैं, हमने एक सूत्र की व्युत्पत्ति करी थी, जिसने वीडियो पहली बार देख रहा है, प्रकाश के व्यतिकरण में सारे सूत्रों की स्थापना हमने कर रखी है, कंप्लीट चैप्टर दे रखा है। तो हम जानते हैं एक सूत्र होता है हमारे पास आई अधिकतम, आई मैक्सिमम मतलब अधिकतम, आई न्यूनतम, आई मिनिमम। क्या सूत्र होता है? A1 + A2² / A1 - A2² तो आई मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे पास? अपॉन आई मिनिमम। A1 की जगह मैं क्या रख दूंगा? 3A2। A1 की जगह 3A2 प्लस A2 बटे, A1 की जगह क्या रखूंगा? 3A2 - A2। तो देखो, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम किसके बराबर हो जाएगा? 3A2 में से 3A2 में A2 जोड़े 4A2, 3A2 में से A2 माइनस हुआ 2A2, होल स्क्वायर कर दो इसको, दोनों स्क्वायर है। A2 से A2 कट गया और 2 से 2 कट गया, 2 2 2 या 4। आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, A2 से A2 कट गया और 2 2 या 4 कट गया, क्या बचा? 2/1। तो क्या आ गया आपके पास? आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम इज इक्वल टू 4/1। बहुत साधारण और सही तरीके से मैंने आपको न्यूमेरिकल समझाया है। इस पे और भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो अनुपात बदल देगा। तो इस तरह से पहला प्रश्न हमने संपूर्ण किया। अब दूसरे प्रश्न को जब हम बताएंगे, कराएंगे, तो पहले मैं क्वेश्चन को डिक्टेट करूंगा, क्योंकि लिखने में बहुत समय जाएगा। अगर मैं डिक्टेट करूंगा तो ज्यादा समय नहीं लगेगा।
तो बच्चों हम जो प्रश्न करेंगे दूसरा वो अलग फार्मूले पे होगा। क्या फार्मूला है हमारे पास? हमारे पास फ्रिंजों की चौड़ाई का एक सूत्र होता है, उसी पर हम एक न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। दूसरा न्यूमेरिकल है हमारा। दूसरा न्यूमेरिकल क्या कहता है आप लिखिए बेटा, प्लीज आप लिखना शुरू करिए, अपनी नोटबुक ले लीजिए लिखिए, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिखूंगा तो बहुत बड़ी वीडियो बनेगी। लिखो क्वेश्चन पर दो, रेखा छिद्रों के युग्म पर आपतित 630 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का लेजर प्रकाश, 630 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का लेजर प्रकाश जो व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न करता है, उसमें चमकीली फ्रिंज परस्पर 8.1 मिलीमीटर दूरी पर है। एक दूसरा प्रकाश जो व्यतिकरण उत्पन्न करता है उसमें फ्रिंजे परस्पर 7.2 मिलीमीटर दूरी पर हैं। दूसरे प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। मतलब सेटअप हमारा एक ही है, प्रश्न दो, क्वेश्चन दो, उसका सॉल्यूशन दो का। हमारे पास प्रकाश एक ही है, हमारे पास स्टेप फर्स्ट में क्या है, कितना प्रकाश तरंग दे रहे हैं हमारे पास 630 नैनोमीटर लेजर प्रकाश जो व्यतिकरण उत्पन्न करता है, उसमें फ्रिंज बीटा वन कितनी दूरी पे है 8.1 मिलीमीटर। ठीक, तो बीटा वन का फार्मूला क्या हो जाएगा, डी लैम्डा वन अपॉन डी, क्योंकि हमारा जो प्रयोग है उसमें ये पर्दे और स्लिट के बीच की दूरी है ये नियत है, स्लिटों के बीच की दूरी क्या होती है 2d, ये भी नियत है। स्लिटों के बीच की दूरी क्या लेते हैं 2d लेते हैं, तो ये भी नियत है। अब स्टेप सेकेंड में हमें तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, हमें कितनी चमकीली फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिली हमें 7.2 मिलीमीटर। मैं यहां पे बदल नहीं रहा हूं क्योंकि ये नैनोमीटर में मिलीमीटर में ये सब कट जाएगा, तो बीटा टू कितना हो जाएगा मेरे पास डी लैम्डा टू अपॉन 2d। सब हम डिवाइड कर देते हैं, ये पहली समीकरण और ये दूसरी समीकरण, बीटा टू अपॉन बीटा वन क्या हो जाएगा डी लैम्डा टू अपॉन 2d, डी लैम्डा वन अपॉन 2d, तो बीटा टू अपॉन बीटा वन क्या हो जाएगा आपके पास लैम्डा टू बटे लैम्डा वन। तो लैम्डा टू कैसे गणना करेंगे, बीटा टू अपॉन बीटा वन इंटू लैम्डा वन। भाई डी से डी कट गया, 2d से 2d कट गया, तो बचा क्या लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन, लैम्डा टू। अब हम इसमें मान रख दो, बीटा टू कितना है 7.2, बीटा वन कितना है 8.1, और ये कितना है 630 नैनोमीटर। ठीक है, ये मिलीमीटर में थे, मिलीमीटर से मिलीमीटर कट जाएगा। अब क्या बचा लैम्डा टू हमारे पास, लैम्डा टू हो गया हमारे पास 72, 81, और ये कितना हो गया 630 नैनोमीटर। काटो, नौ है 72, 9 = 81, अब यहां काटा 3, ये कितना हो गया 2, 1, 0, सात अठे छप्पन 560 नैनोमीटर। तो हमें दूसरी तरंग दैर्ध्य कितनी प्राप्त होगी 560 नैनोमीटर।
अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं, मैं इसे हिसाब भी करता जाऊंगा और क्वेश्चन भी बोलता जाऊंगा, आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन तीन आप लिखिए नोटबुक में अपनी। यंग के दी स्लिट प्रयोग में, यंग के दी स्लिट प्रयोग में स्लिटो से डी, कैपिटल डी, स्लिटो से डी दूरी पर रखे, डी दूरी पर रखे पर्दे पर व्यतिकरण फिंजे, व्यतिकरण फिंजे प्राप्त की जाती हैं। यदि पर्दे को स्लिटों की ओर 5×10⁻³ दूरी विस्थापित कर दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई में 3×10⁵ का परिवर्तन पाया जाता है। यदि स्लिटों के बीच की दूरी, यदि स्लिटों के बीच की दूरी 10⁻³ है तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यंग का प्रयोग है, यंग का प्रयोग हम चित्र बना के जरा आसान करते हैं अपने आप को। ये दूरी है, ठीक है, ये स्लिटों के बीच की दूरी दे रखी है, 2D कितना दे रखा है, 10⁻³ सॉरी हाँ 10⁻³ ठीक है। अब यहां पे ये स्लिट थी, ठीक है, इसको विस्थापित करके यहां पे लाया गया, ये दूरी कितनी होगी D1 और इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी Δ D, ये हमें दिया हुआ है। उसने कहा यदि पर्दे को स्लिटों की ओर, ये पहली स्थिति तो ये है, फिर दूसरी स्थिति में विस्थापित करके यूं ला रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, तो जब हम पर्दे को स्लिट की ओर ले जा रहे हैं तो कितनी विस्थापित होगी, तो स्लिटों की ओर कितना विस्थापित किया आपने, प्रश्न तीन सॉल्यूशन तीन क्या गिवन है हमें, Δ D, D1 D-D1 कितना दे रखा है आपको, 5×10⁻²। और फ्रिंज की चौड़ाई में कितना अंतर आ रहा है, Δ β β-β1 3×10⁵⁵ जब हम पर्दे को स्लिट की ओर ले जाएंगे तो फ्रिंज का तो फार्मूला होता है, फ्रिंज की चौड़ाई का, वो बदल जाएगा। प्रथम स्थिति में β1 किसके बराबर हो जाएगा, β d λ/2d। द्वितीय स्थिति में β1 d1 λ/2d, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, β-β1 ये पहली समीकरण है, ये दूसरी समीकरण है, समीकरण 1 - समीकरण 2 कोई दिक्कत नहीं, β-β1 d λ/2d - d1 λ/2d, ये Δ β हो गया बच्चों, इसमें d-d1 बचा λ/2d। हमारे पास 2d का मान हम पहले बता दें, ये स्लिटों के बीच की चौड़ाई होती है, ये 10⁻³ तो सूत्र क्या बन गया हमारे पास, Δ β Δ d λ/2d।
लैम्डा के मान की गणना करनी है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, डेल्टा बीटा इंटू टू डी अपॉन डेल्टा डी। इसे दो से गुणा नहीं करना है, ये टू डी दूरी होती है स्लिटों के बीच की दूरी। तो डेल्टा बीटा कितना है मेरे पास, 3 × 10⁻¹। 2D कितना है, 10⁻³। और डेल्टा डी कितना है, सॉरी 5 × 10⁻²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो लैम्डा 3/5 × 10⁻¹² + 2, तो ये कितना हो गया, 3 को यहां पे लिख दें 0.6, एक जीरो ले लेंगे नहीं तो 5×6 होता है, 0.6 × 10⁻¹⁶ मीटर, 6 × 10⁻¹⁷ मीटर। अगर इसे एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। हम इसे एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहां पे 6000 × 10⁻¹⁰ मीटर लिख सकते हैं, तो ये एंगस्ट्रॉम में कितना आ जाएगा, 6000 एंगस्ट्रॉम। बच्चों 3 प्रश्न पूरे हो गए, चौथा इस पे जो लास्ट है हमारा अनुप्रश्न, उसको मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूं, ये बोर्ड भी साफ होता रहेगा और टाइम की बचत होती रहेगी। क्वेश्चन लिखो, चलो एक द्विस्लिट 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त की जाती है। किसके द्वारा प्रदीप्त की जाती है, 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग धैर्य के प्रकाश द्वारा प्रदीप्त की जाती है, फुल स्टॉप। स्लिटे 0.1 सेंटीमीटर दूरी पर है, स्लिटे 0.1 सेंटीमीटर दूरी पर है और पर्दों की स्लिटों से दूरी 1 मीटर है। गणना कीजिए 10वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, 5वीं अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी। फिर सुनिए, पहला 10वीं दीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, सेकंड 5वीं अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, थर्ड 2 निकटस्थ निम्निष्टों के मध्य दूरी, दो मिनिमा जो आपको मिल रहे हैं, 2 निकटस्थ निम्निष्टों के मध्य दूरी। प्रश्न 4, उत्तर 4, इस लेक्चर को मैं डालना भूल गया, नंबर NW1। देखिए एक दी स्लिट कितना दिया हमें, कितने एंगस्ट्रॉम की तरंग दे रहे आ रही है, 6000 एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 6000 × 10⁻¹⁰ मीटर। स्लिटों के बीच की दूरी कितनी है, 2D 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 × 10⁻¹² मीटर। तो मैं डेसिमल में वैल्यू नहीं रखता, 1 × 10⁻³ मीटर। और कैपिटल डी कितना है हमारे पास, 1 मीटर। हमारे पास सारा डाटा आ गया। पहला केस 10वीं दीप्त फ्रिंज, सेंट्रल फ्रिंज मतलब केंद्रीय फ्रिंज से दूरी, सीएफ सेंट्रल फ्रिंज मतलब केंद्रीय फ्रिंज। तो इसका एक फार्मूला होता है, xn = nd λ/2d, सूत्र होता है nd λ/2d। तो n कितना हमारे पास यहां पे,
दस दस, डी कितना है एक, लैम्डा कितना है 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10, और 2D कितना है 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। अब पावर देख लो एक्शन, 10 की घात माइनस 3 10 गुणा 6000 10 की घात माइनस 10 प्लस 3 मीटर, तो ये दूरी कितनी आ गई है 6। एक्शन इज इक्वल टू कितनी दूरी आ जाएगी माइनस 7, 6 गुणा 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस 7, एक्शन इज इक्वल टू 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 प्लस 4 मीटर। तो एक्शन आ गई एक्स 10 एन नहीं 10, 10वीं फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, एक्शन हटा दो 10। एक्स 10 कितना आ गया 6 गुणा 10 की घात माइनस 3 मीटर। सेकेंड, पांचवी अदीप्त फ्रिंज, पांचवी अदीप्त फ्रिंज की सेंट्रल फ्रिंज से दूरी एम कितना है यहां पे 5। फॉर्मूला होता है एक्सएम इज इक्वल टू 2m माइनस 1 लैम्डा डी लैम्डा अपॉन 2 इंटू 2d, 4d होता है ना, तो 2 इंटू 2d कर दिया हमने 2d। अब मान रखना है हमने xm 2 गुणा 5 माइनस 1 d 1 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10 बटे 2, 2d कितना है हमारे पास 1 गुणा 10 की घात माइनस 3 एक्स 5 9 गुणा 6000 10 की घात माइनस 10 प्लस 3 बटे 2। ये 2 कट जाएगा 3000 आ गया, 9 × 27 तो एक्स 5 का मान आ गया 27 गुणा 10 की घात माइनस 7 प्लस 3 मीटर। तो एक्स 5 कितना आ गया 27 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। फिर पूछता है दो निकटस्थ निम्निष्टों के बीच की दूरी, देखिए दो निकटस्थ निम्निष्टों के बीच की दूरी को बीटा कहते हैं, इसका सूत्र है डी लैम्डा अपॉन 2d। तो बीटा डी कितना 1 6000 गुणा 10 की घात माइनस 10, 2d 1 गुणा 10 की घात माइनस 3, तो बीटा का मान आ गया आपका 6000 10 की घात माइनस 10 प्लस 3 6000, तो बीटा आ गया मीटर, तो आ गया ये 6 गुणा 10 की घात माइनस 7 प्लस 3 मीटर, तो बीटा का मान आ गया 6 गुणा 10 की घात माइनस 4 मीटर। तो इस तरह से हम ये क्या कहलाती है फ्रिंज की चौड़ाई, दो निम्निष्टों के बीच की दूरी हो या दो उच्चिष्टों के बीच की निकटस्थ जो साथ साथ है उनके बीच की दूरी। बच्चों ये प्रश्न पत्र है, मैं प्रश्न पत्र देख तो नहीं पा रहा कि आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं आपको इसको प्रस्तुत करवा रहा हूं अभी, ठीक है आप देख लीजिए, अगर आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये क्वेश्चन पेपर है जो मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है, और अभी वीडियो के रूप में वीडियो से पहले भी डाल दूंगा। बच्चों इस तरह का अगर मुझे न्यूमेरिकल मैंने आज पहली बार प्रयोग किया है ये इस तरह का कि मैं क्वेश्चन को मेरे को बच्चों ने कहा था जो पहले वीडियो बनाए थे कि डिक्टेट कर देना सर, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करने की कोशिश करी है, फिर भी मैं 15-20 सेकंड के वीडियो में के रूप में डालूंगा कि आप स्टिल करके पॉज करके आप इसकी फोटोग्राफ ले लें। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है बेटा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, न्यूमेरिकल तो भौतिकी में सबसे वीक होते हैं, और आपको समझ में आ रहे हैं अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक तो बनता है,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।